लो जी, आ गई बुक असिस्टेंट लोको पायलट की, नए साल की शुरुआत से पहले। जी हाँ, 2 दिन पहले, बधाई तो सही। जी हाँ फ्रेंड, आपकी बहुत हैवी डिमांड थी इस बुक को लेकर के। सर, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कुछ करिए, कोई बुक तैयार करिए, कोई वीडियो बनाइए जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो एक छोटी सी वीडियो है आपके सामने, ये बुक मैं कंप्लीट करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझको चाहिए होगी आपकी एक प्रतिक्रिया। मतलब कि इस वीडियो पे जितने व्यू आएंगे, जितने लाइक आएंगे, जितने आप शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपका रिस्पांस नेगेटिव आता है तो शायद मैं आगे भी वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि यूट्यूबर्स कोई भी हो, कोई भी जो वीडियो बना रहा है उसको चाहिए होता है एक मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन देते हैं आप लोग लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से और अपने कमेंट के माध्यम से। देखिए, आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा इलेक्ट्रिशियन से संबंधित। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, इस बुक में इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। देखिए, अगर ये वीडियो कंटिन्यू चला तो मैं एक मॉक टेस्ट की एक सीरीज लेके आऊंगा। एक बुक है, मैंने देखी है, वो भी स्पार्क की बुक है, उसमें मॉक टेस्ट है, काफ़ी अच्छी बुक लगी, लेकिन वो मैंने बुक अभी ली नहीं है, बट मैं जल्द ही उसको ले लूँगा। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट की एसी डीसी वोल्टता, मतलब डीसी एम्पियर एम्पियर और ओम नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी मीटर। अगला पॉइंट हमारे सामने इम्पोर्टेंट कि सामान्य प्रकार का वोल्ट मापी मापता है एसी का आरएमएस मान। ये टेक्निकल टर्म है, आरएमएस मान उनको पता होगा जो इलेक्ट्रिशियन जिन्होंने कर रखा है ट्रेड से, जो टेक्निकल फील्ड से, उनको अच्छे से पता होगा। बढ़ते हैं आगे कि बल्ब का प्रकाशित होना विद्युत धारा के किस प्रभाव का एक उदाहरण है, तो ये आपका ऊष्मीय प्रभाव का। अगला पॉइंट हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स, इसको बोलते हैं प्रतिदीप्त पुंज की मात्रा क्या है, तो वो है आपका ल्यूमेन। नेक्स्ट पॉइंट, मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु क्या होती है, तो ये होती है 3000 घंटे। विद्युत केतली की वॉटेज सामान्य होती है 350 वाट। वर्तमान इन्वर्टर में कौन सी किस्म का ट्रांजिस्टर आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, यह है आपका मॉसफेट। एंड विद्युत तापक के तार सामान्य रूप से किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं नाइक्रोम के। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत उत्सर्जन बत्तियों में प्रकाश उत्पन्न होता है कैथोड किरण उत्सर्जन द्वारा। सोडियम वाष्प उत्सर्जन बत्ती का रंग होता है पीला, और प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके तरंग दैर्ध्य पर। विद्युत वितरण प्रणाली में प्रयोग किया जाता है स्टार संयोजन, और चांदी सोना बिस्मित जस्ता तथा पारा है क्या, यह प्रति चुंबकीय है। किस पात्र में वैद्युतिक अपघटन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है वोल्टामीटर। एंड विद्युत रंजन प्रक्रिया में धनोद से क्या जुड़ा हुआ होता है, तो ये जुड़ा होता है आपका नोबल धातु प्लेट। यदि किसी लेड एसिड बैटरी का सल्फेट कठोर हो जाता है तो उसका उपचार होगा आपका ट्रिकल आवेशण से। वायु अचालक संधारित्र की कार्यकारी वोल्टता होती है 500 वॉट डीसी। विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र से विद्युत शक्ति का परीक्षण अत्यधिक उच्च एसी वोल्टता पर किया जाता है, क्योंकि उच्च वोल्टता पर क्या होगा, धारा का मान कम होने के कारण शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब शक्ति का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा, उसका ह्रास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी आवेशन कार्य के लिए उपयुक्त जनित्र है क्या, संट जनित्र। डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन कहलाती है डीसी मीटर। संट कुंडलन का प्रतिरोध होता है आर्मेचर कुंडलन से अधिक। वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता होती है विपरीत दिशा में भी अधिकतम घूर्णन गति प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है
सामान्य उत्तेजक को स्थापित किया जाता है रोटर शाफ्ट पर। विद्युत आर्क भट्टी का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है पायरोमीटर का। अल्टरनेटर के रोटर को किस धारा की आवश्यकता होती है? डीसी की। और यदि सप्लाई, ये पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं, यदि सप्लाई के कोई दो फेज आपस में बदल जाएं तो मोटर उल्टी दिशा में चलेगी। ये याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। उच्च गति और उच्च स्टार्टिंग टार्क के लिए कौन सी मोटर की सिफारिश की जाती है? यूनिवर्सल मोटर की। अगला पॉइंट है हमारे सामने, सिंक्रोनस मोटर की बनावट किसके समान होती है? अल्टरनेटर के। और कुंडली में धारा की दिशा किसके ज्ञात की जा सकती है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा। जनरेटर में क्या अवश्य क्षति है? तो यह लोह तथा घर्षण क्षति। किसको परिवर्तित करके जनरेटर का वी वा नियंत्रित किया जा सकता है? ये क्या है मुझे नहीं पता। और गति एवं फ्लक्स दोनों को। देखिए, मैं एक्चुअली टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये मैंने बुक है किसी और से जो टेक्निकल फील्ड से, जो अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं मेरे फ्रेंड, मैंने उनसे ये बुक को हाईलाइट करवाया है। तो आगे भी काफ़ी सारे पेजेस इसमें उन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं, बट आपका चाहिए मुझे रिस्पांस। अगर रिस्पांस मिलता है पॉजिटिव तो मैं पूरी बुक उनसे हाईलाइट करवाता हूँ, वरना फिर क्यों उनका टाइम खर्च करना है जब आपको पढ़ना नहीं है, जब आपके लिए यूज़फुल नहीं है ये सब। तो लेकिन जब हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तब शायद ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अपना स्कोर आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको स्कोर के लिए फोर्स करूँगा। तो देखते हैं, फिलहाल इस पर भी आप रिस्पांस दीजिए मुझको, वो तभी बनेगा जब इसका रिस्पांस आएगा। अगर 1 लाख सब्सक्राइबर में केवल 10 ही बच्चे हों जो टेक्निकल हों, तो उनके लिए फिर वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा भाई? 10 में से भी एक आदमी फॉलो करेगा, एक आदमी नहीं करेगा, हो सकता है। तो एक वीडियो बनाने के लिए हमको कम से कम 2 से 2.5 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। टाइम इज़ मनी, सब सी बात यह है। अगर हम लोग टाइम की कदर करेंगे तो टाइम हमारी कदर जरूर करेगा। तो टाइम को मैंने वेस्ट नहीं करना है, अपना भी ना आपका। तो देखेंगे रिस्पॉन्स क्या आता है। फिलहाल अगला है पॉइंट, किसके कारण जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक खो देता है? तो वह आपका हेमरिंग एवं ओवरहीटिंग दोनों द्वारा। मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो ये बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में। श्रेणी मोटर में फील्ड ध्रुव पर रनों की संख्या क्या होती है? आर्मेचर से कम। फील्ड फ्लक्स घटाने से मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ जाएगी उसकी गति। और डीसी मोटर को फ्लक्स शून्य हो जाए तो उसकी गति क्या हो जाएगी? उसकी गति हो जाएगी शून्य। यदि लोडेड शंट मोटर की फील्ड कनेक्शन अचानक डिस्कनेक्ट मतलब आपस में टूट जाए तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा अपने आप। और कमरे का एल्यूमिनेशंस किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है छत और दीवार दोनों के रंग पर। सोडियम वाष्प लैंप के साथ श्रेणी में चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विसर्जन को स्थिर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किस लैंप की दक्षता किस में मापी जाती है? ल्यूमेन पर वाट। प्रतिरोधी हीटिंग ओवर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये करते हैं थर्मोस्टेट के प्रयोग के द्वारा। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। इस बुक में केवल 2 ही पेज थे जो इससे संबंधित थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फीटर के बारे में, इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाने से पहले पता होना चाहिए, वो सब देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक फेसबुक व्हाट्सअप जैसे भी आपको शेयर करना है वैसे शेयर करिए। अपनी कोई भी राय मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, माइट बी मे बी शायद मिलूँ, डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स। बाय बाय, टेक केयर।